नमस्कार, पाकशाला भाई पुष्पलता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छोले राजमा की सब्जी तो हम सभी बड़े शौक से खाते हैं, पर आपने कभी काले चने की सब्जी खाई है? अगर नहीं खाई है तो आप मेरी तरीके से इसे बनाकर जरूर देखिएगा। तो यकीन मानिएगा, आप छोले और राजमा से ज़्यादा काले चने की सब्जी खाना पसंद करने लगेंगे। इस सब्जी को हम कम तेल, रेगुलर मसाले और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसके बाद भी ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा कप काले चने को अच्छे से साफ करके रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखा है। चने अच्छे से फूलकर तैयार हो गए हैं, हाथों से इस प्रकार चेक करके आप देख सकते हैं। चनों को हमें रात भर के लिए या 6-7 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। बॉईल करने से पहले हम इसे एक बार साफ पानी से और धोकर तैयार कर लेंगे। चनों को उबालते समय हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। तो हमने लिए हैं एक बड़ी इलायची, एक तेजपात, 15-16 काली मिर्च, 2 लौंग और 2 टुकड़े लिए हैं मैंने दालचीनी के। सूती साफ कपड़े में हम इन सभी मसालों को बांध देंगे, जिससे उबलते समय ये चनों में बिखरेंगे नहीं और इनका अर्क भी पूरा चनों में आ जाएगा। चनों को बॉईल करने के लिए हम कुकर में डाल देंगे, साथ ही डालेंगे खड़े मसालों की पोटली, साथ ही 1 गिलास पानी को भी डाल देंगे और डालेंगे 1 टीस्पून सादा नमक। कुकर को बंद करेंगे और गैस पर रखकर हम करीब 4-5 सीटी लेंगे। प्रेशर कुकर के पूरी तरीके से ठंडा होने पर हम इसे खोलेंगे और सबसे पहले हम मसालों वाली पोटली को निकाल लेंगे, पर हमें पोटली को फेंकना नहीं है, उसके मसालों को यूज करना है। अब हम चनों को चेक कर लेते हैं। चने हमारे सॉफ्ट हैं, ओवर कुक नहीं हुए हैं, एकदम परफेक्ट बॉयल हुए हैं, जैसे कि हमें चाहिए। अब हम सब्जी के लिए मसाले तैयार करेंगे। तो ये वो खड़े मसाले हैं जो पोटली बनाकर हमने बॉईल करते समय चने में डाली थी। इन मसालों को हमें फेंकना नहीं है बल्कि सब्जी में यूज करना है। तो सबसे पहले हम मिक्सी के जार में इन मसालों को डाल देते हैं। इन मसालों के साथ 5-6 लहसुन डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और साथ में हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब उबले हुए चने। मसाले में हमें चने ऐड क्यों करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इन सभी चीज़ों को हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। सब्जी को बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 3-4 चम्मच के करीब ऑयल को गर्म करेंगे और गर्म हो जाने पर हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और सौंफ। इन दोनों के भुन जाने के बाद हम डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई 1 कटोरी प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को हमें हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, पर हल्का सुनहरी हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे चना, लहसुन और अदरक वाला मसाला जो हमने पीस कर तैयार किया था। इस मसाले को भी हम प्याज के साथ 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे और गैस फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मसाले में चने को पीस लेने से सब्जी की ग्रेवी बहुत बढ़िया बनेगी, थिक बनेगी। तो आप मसाला पीसते समय चनों को जरूर ऐड कीजिए, इससे सब्जी का टेस्ट भी बढ़ता है। मसाला हमारा भुन चुका है तो अब हम इसमें कुछ रेगुलर मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून डाला है हमने हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, साथ ही 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। धीमी आंच पर हम सभी मसाले कुछ सेकेंडों के लिए भूनेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। 3 मीडियम साइज के टमाटरों को मैंने पीस कर तैयार किया है। टोमेटो प्यूरी के ऐड करने के बाद हमें फिर से मसाले को भूनना है। मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक कि तेल मसाले को छोड़ने ना लगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, मसाले से तेल भी अलग होने लगा है। तो अब हम डाल देंगे इसमें उबले हुए चने। बॉईल किए हुए चनों का जो पानी है उसे भी हमें सब्जी में ही ऐड कर देना है। इस पानी से सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। काले चने की सब्जी बहुत ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती है, तो हम ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। और अगर आपको पतली सब्जी अच्छी लगती है तो आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। सब्जी में हम काले नमक को ऐड करेंगे। काला नमक इस सब्जी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। चनों को उबालते समय भी हमने नमक को ऐड किया था, तो उस मात्रा को ध्यान में रखते हुए हमें काले नमक को ऐड करना है। सब्जी को हमें कवर करके धीमी आंच पर 4-5 मिनट के लिए और पकने देना है। कवर करके धीमी आंच पर हमने 4-5 मिनट के लिए सब्जी को पका लिया है। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी बहुत ज़्यादा गाढ़ी या पतली नहीं है, एकदम परफेक्ट है। इस सब्जी को बनाते समय आप बहुत ही कम तेल का यूज करें, क्योंकि कम तेल होने के बावजूद भी इस सब्जी में सारा तेल ऊपर की ओर दिखाई देने लगता है। सब्जी का स्वाद और बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं 1 बड़ा सा टमाटर, जिसे मैंने बड़े बड़े पीस में काट कर लिया है,
और दो हरी मिर्च को मैंने बीच में से काट कर डाल दिया है। टमाटर और हरी मिर्च को हमें सब्जी के साथ पकाना नहीं है, गर्म सब्जी में हम कुछ देर के लिए इसे छोड़ेंगे और कुछ सेकंडों के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। और बस लास्ट में हमें डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। टमाटर और हरी मिर्च के जो हमने पीस डाले हैं, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते, हल्के से क्रंची बने रहते हैं, तो सब्जी को खाते समय ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो लीजिए, सब्जी बनकर हमारी तैयार है, हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। काले चने की सब्जी की खास बात यह है कि ये सभी के साथ बेहद अच्छी लगती है। चाहे आप इसे पूरी, पराठा, रोटी के साथ खाएं, चाहे चावल के साथ खाएं, ये सभी के साथ बेहद अच्छी लगती है। आप भी इसे घर पर जरूर बनाएं, सभी को बेहद पसंद आएगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, घंटी बजाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।